नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप सालों से पेट में जमा गंदगी से परेशान हैं, यानी कि आंतों में जमा गंदगी को साफ करना चाहते हैं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है उसे निकालना चाहते हैं, या फिर पुरानी से पुरानी कब्ज़, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, इसी के साथ अगर छोटे बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम है उससे आप बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आज का ये घरेलू नुस्खा आपके बेहद काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज का ये घरेलू नुस्खा क्या है और किस तरीके से तैयार होगा। सामने आप देख सकते हैं प्लेट पे मैंने एक चीज़ ली है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है इसबगोल। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर ये मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम इसबगोल लेते हैं पेट को साफ़ करने के लिए। तो क्या इतने ज़्यादा लंबे समय तक लगातार इसबगोल का इस्तेमाल सही है हमारे शरीर के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक इसबगोल का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से धीरे धीरे करके आपकी आंतें कमज़ोर होने लगती हैं। तो कोई भी चीज़ है, अगर वो आयुर्वेदिक रेमेडी है या कोई भी रेमेडी है, अगर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से सही समय तक नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है उसके फ़ायदे नहीं होंगे, नुकसान होंगे। इसी तरीके से इसबगोल है, इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदा करते हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज़ में ये आपको बहुत ज़्यादा आराम देता है। लेकिन सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तभी फ़ायदा करता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने लग जाएँ तो फिर ये आपकी आंतों को कमज़ोर करने का काम करता है। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसी चीज़ जिसको हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पेट की सफाई के लिए, अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो रोज़ाना हमारा पेट नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि इसकी वजह से साफ होगा, जिसकी वजह से आंतों को दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे सीमित मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करें। चलिए अब आपको बताते हैं इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पेट की सफाई करने के लिए। पेट की सफाई के लिए आप इसे दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। दूध के साथ अगर लेना चाहते हैं तो रात को आप जो है इसको एक गिलास दूध गर्म कीजिए, उसमें एक चम्मच डालिए, हल्का सा उबालिए और उसके बाद छान करके बिना मीठा डाले इस दूध को पी लीजिए। जब आप इस दूध को पियेंगे तो इससे अगले दिन आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। इसी के साथ दूसरा तरीका है, जिन लोगों को दूध नहीं पीना है वो लोग एक से दो चम्मच जो है पानी में भिगो कर रख दें। इस तरीके से आप देख सकते हैं सामने, ज़्यादा से ज़्यादा दो चम्मच, छोटा दो चम्मच, ये नॉर्मली जो घर में चम्मच होता है उससे मैं बता रही हूँ आपको, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। ये वेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर आपका वेट जो है 70 किलो से ज़्यादा है तो आप दो चम्मच लेंगे, अगर आपका वज़न 70 किलो से कम है तो आप एक चम्मच लेंगे। और एक चम्मच को आप पानी में एक गिलास पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ भिगो कर रख दीजिए और फिर बाद में आपने जो है इसको इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए अगर आपको इसको रात को इस्तेमाल करना है तो आप इसे जो है दो तीन घंटे पहले भिगो कर रख दीजिएगा, और अगर आपने जो है इसको सुबह खाली पेट लेना है तो फिर आप जो है इसको रात को भिगो कर रख दीजिएगा। कम से कम 3 से 4 घंटे, 2-3 घंटे भीगा रहे तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है और अच्छे से आपके शरीर पर काम करता है। अगर आप पुरानी से पुरानी कब्ज़ से परेशान हैं या आंतों की सफाई करना चाहते हैं तो आप लगातार इसे 3 दिन तक लें। सिर्फ आपने एक चम्मच लेना है, अगर 70 किलोग्राम से वज़न कम है तो, ज़्यादा है तो आप 2 चम्मच तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक गिलास पानी में भिगो कर रखेंगे और लगातार 3 दिन तक लेंगे। ये आपके पूरे के पूरे पेट की सफाई बहुत अच्छे से कर देगा, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको फिर से 3-4 महीने के बाद ऐसा लगता है कि पेट में कब्जियत बहुत ज़्यादा हो गई है या ऐसी दिक्कत हो रही है तो फिर आप इसे दोबारा से 3 दिन के लिए ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना होता, नहीं तो ये आपकी आंतों को कमज़ोर करता है। इसबगोल जो है एक तरह से लैक्सेटिव की तरह काम करता है, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि बॉडी के अंदर अतिरिक्त जितना भी वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा को बिल्कुल नियंत्रित करता है, बॉडी के अंदर से मोटापे को कम करता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, कब्जियत से आपको आराम दिलाता है, ये जितनी भी दिक्कतें हैं यानी कि जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाता है।
वैसे तो ये अकेला ही आपके पेट की सफाई करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, लेकिन अगर आपकी जो कब्जियत है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है तो फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इससे पेट को साफ़ करने के लिए रात में एक चम्मच त्रिफला पाउडर लें और एक चम्मच इसबगोल लें। इसबगोल की भूसी आपको बहुत आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाती है। इन दोनों को लेकर के आपने जो है गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके लेने लेना है रात को, इससे आपकी पुरानी से पुरानी कब्जियत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको लूज मोशंस लग जाएं बहुत ज़्यादा तो ऐसे में आप क्या करें, आपने जो है लगभग एक चौथाई चम्मच ये इसबगोल की भूसी लेनी है और इसे दही के साथ मिक्स करना है। जब आप इसे दही के साथ मिक्स करेंगे तो इससे जो है बच्चों को जब खाने के लिए देंगे तो चाहे थोड़ा सा मीठा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इससे बच्चों के जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। साथ ही अगर बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या है और उनको भूख नहीं लग रही है इस वजह से तो वो भी ठीक हो जाती है। बस ध्यान रखना है ये आपने जो है सिर्फ लगातार 2 दिन तक देना है, 2 दिन से ज़्यादा इसको नहीं देना है। इसबगोल जो है आपको बवासीर में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि बवासीर होने का जो मेन कारण होता है वो कब्जियत होती है और ये पुरानी कब्जियत को ठीक करता है। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बवासीर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पेट बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इसका लगातार 2 से 3 दिन तक सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से फाइबर बहुत अधिक होता है, तो आपके नसों में अगर ब्लॉकेज है या हार्ट डिसीज से परेशान है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लिपिड लेवल को बढ़ाने और जो हार्ट है उसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने का ये काम करता है। अगर आप बड़े हैं और आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के साथ मिला करके इसको ले सकते हैं, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करते हैं। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं तो उसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदा करता है, खट्टी डकारें, पेट फूलना, एसिडिटी, इन सब में भी अगर आप लगातार 2 दिन तक इसको ले लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बस ध्यान रखना है कि बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, अगर ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो पेट में मरोड़ या सूजन की दिक्कत हो जाती है और बहुत सारे पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है, क्योंकि इसको लेने के बाद नॉर्मली लूज मोशंस आते हैं, आपका मल बाहर निकलता है, तो ऐसे में पानी की कमी हो जाती है अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप करने लग जाएंगे तो इससे आपकी भूख में कमी आती है और आपके पेट में भारीपन आपको महसूस होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें इसबगोल की भूसी नहीं देनी है, 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। अगर आप बुज़ुर्ग हैं और रोज़ाना इसको लेते हैं तो रोज़ाना लेने की गलती बिल्कुल ना करें, इससे आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। इसे रोज़ाना लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी डाइट में फ़ाइबर को ऐड करें, अपने आटे को इतना ज़्यादा अच्छा बनाएं, इतना मल्टीग्रेन बनाएं जिससे कि उसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर हो, वो रोटी आपको आसानी से पच जाए। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है, नॉर्मल आटा है, तो हमेशा जब भी पैकेट वाला आटा आप लेते हैं तो उसके साथ में आपको आधी मात्रा में बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बेसन ईजिली डाइजेस्टेड है और उसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको जो है पेट में कब्जियत नहीं होती है। साथ में ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा है, पानी अच्छी मात्रा में पिए, तो इससे नेचुरली आपकी कब्जियत ठीक होती है, आपको किसी भी तरह की रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए अपने पेट की सफाई करने के लिए 2-3 दिन के लिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लंबे समय तक आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिले, क्योंकि मैंने कई सारे अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है कि वो इसे लगातार कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंतें कमज़ोर होने लग जाती हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं कि पेट में डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, खाना पचता नहीं है हमें बिल्कुल भी, जो भी खाते हैं उसके बाद मोशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो इसलिए ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।